प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दे वल्लों सब नूं दिवाली दीआं वधाईआं दित्तीआं गईआं तां नाल ही वर्चुअली दिवाली मनाउण दीआं तस्वीरां वी सांझीआं कीतीआं गईआं जिस दे विच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दे वल्लों 3 दीवे जगाए गए। इस दौरान ओह ऑनलाइन वर्चुअली दिवाली मना रहे सन जिस दीआं तस्वीरां वी उन्हां ने सांझीआं कीतीआं ने। नाल दी नाल जस्टिन ट्रूडो ने इस दे उत्ते कहा कि सच रोशनी ते चंगयाई हमेशा प्रबल रहिंदे ने ते इसे नूं लैके दिवाली दा संदेश दिंदे होए प्रधानमंत्री ने उन्हां सब नूं वधाईआं दित्तीआं जो दिवाली मनाउंदे ने। इत्थे जिक्र योग है कि इस संदेश दे विच वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन दिवाली मनाउण दा भी संदेश प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दे वल्लों उदाहरण दिंदे होए दित्ता गया कि उन्हां दे वल्लों भी कुछ इसे तरह मनाई गई क्योंकि कैनेडा भर विच कोविड-19 दे केसां दी गिणती काफी तेजी नाल वध रही है। पूरे कैनेडा विच हुण तक कोविड-19 दे मरीजां दी गिणती 283,000 तक पहुंच चुकी है जिन्हां विचों 227,000 ठीक भी हो चुके ने पर 10,768 मौतां हो चुकियां ने। अज जो कैनेडा भर तों नवे मरीजां दी गिणती दे अंकड़े सामने आए ने उसने काफी रिकॉर्ड तोड़े ने क्योंकि अधिकारियों के वलों जो जानकारी दी गई है उस मुताबिक कैनेडा विच वीरवार के दिन कोविड-19 के 4,981 नवे मामले सामने आए ने जिस दे विच एक तिहाई मामले सिर्फ ओंटेरियो तो ही सामने आए ने जिथे कि 1,575 मरीजा की गिणती सामने आई है तो 18 नवीं मौतां होने की गिणती भी सामने आई है। क्यूबेक विच नवे मामले वीरवार के दिन 1,365 सामने आए ते 42 मौतां होईयां। ब्रिटिश कोलंबिया विच 24 घंटे के अंदर 594 नवे मामले सामने आए ने। अल्बर्टा विच 860 नवे मामले सामने आए ने। मैनिटोबा विच 9 मौतां होईयां ने ते 474 नवे मामले सामने आए ने। कुछ इसे तरह वखो वखरे सूबियां दे विच कोविड-19 नाल संबंधित हालात वखो वखरे ने ते इस नूं लैके ब्रिटिश कोलंबिया तो भी जो बयान सामने आया सेहत अधिकारी दे वल्लों जिन्हां ने कहा कि उन्हां दे वल्लों हदायतां नूं होर सख्त किया जा सकता है तां उधर ओंटेरियो तो डगफोर्ड दे वल्लों भी कुछ अजिहा ही किया गया है कि हालात जेकर इहो जिहे ही रहे तां छेती ही होर सख्त फैसले लए जा सकदे ने। इस दौरान ब्रिटिश कोलंबिया तो सेहत अधिकारी ने पहलां भी काफी सख्त एक्शन लए ने जिस नाल ब्रिटिश कोलंबिया दे विच जो पहलां वर्गा माहौल होना शुरू भी हो गया सी मुड़ तो हदायतां सख्त कीतियां गईयां पर हुण अगे होर सख्ती करन दे बारे भी विचार कीता जा रहा है क्योंकि कोविड-19 दे मामलियां दी गिणती नित वधदी ही जा रही है जिस दे विच रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे ने। दूजी वेव दौरान कोविड-19 दे मामलियां दे उत्ते काबू पाउण दे वास्ते हुण अगे काफी सख्त हदायतां होर लगाईयां जा सकदियां ने। कोलंबिया फॉर कोविड-19 एंड टुडे वी आर रिपोर्टिंग ऑन द पीरियड फ्रॉम नवंबर 10th to 11th and then 11th to today. So between Tuesday and Wednesday, we had an initial 536 people test positive for COVID-19. And from Remembrance Day yesterday to today, an additional 594 people be diagnosed with COVID-19. And just to put that in perspective, in the last 24 hours, we had 588 people test positive, and there were 12,442 tests that were done in the last 24 hours. So that brings us to 1,130 new cases in the province in the last 2 days, and our total being 20,368 people in British Columbia. And our new cases in the last 2 days, 249 are people in Vancouver Coastal Health Region, 808 are people who reside in the Fraser Health Region, 16 are people in the Vancouver Island Health Region, 34 people in the Interior Health Region, and 23 of the cases are people who reside in the Northern Health Region. We're now up to 5,793 active cases, and we now have 155 people with COVID-19 in hospital, 44 of whom are in critical care or ICU. Sadly, we have an additional 4 people who have died from COVID-19 over the last 2 days, bringing our total number of people who've died from COVID-19 to 288. 3 of those people were in long-term care home, and one of them was a elderly person from the community. As always, when we think about remembrance and we think about the challenges in mourning people who've died from COVID-19 in these times and how challenging it is, and our condolences go to the families who have lost their loved ones, to the care providers who've looked after them, and to our communities who mourn their loss. We have 11,091 people who are on active public health monitoring right now, and 14,089 people who have recovered from COVID-19.
In the past 2 days, we've had 6 new healthcare facility outbreaks at the Nanaimo Regional General Hospital here on Vancouver Island, Chartwell Langley Gardens, Peaceport Seniors Village, the Harrison at Elam Village. This is the second, unfortunately, outbreak at that facility, Dania Home and Finnish Manor. And 3 outbreaks have been declared over at Care Life Fleetwood, Hamilton Village Center, and Mayfair Terrace Retirement Residence. So that leaves 41 active outbreaks in our healthcare system, 35 in long-term care and assisted living, and 6 in acute care, affecting 1,331 people, 764 residents, and 561 staff.